नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वहाला टोकन के बारे में, जो कि स्कार टोकन है, आप इसमें अगर प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट कर पाए होंगे तो प्राइवेट सेल के प्राइस के अकॉर्डिंग ये 635 गुना इसका प्राइस बढ़ा। और अगर आप पैनकेक स्वैप के फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस में अगर आप इस पर परचेज कर पाए होंगे तब भी आपको 350 गुना या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था उस टोकन्स के बारे में हुआ, लेकिन इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट के साथ मैं इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि वो कौन सा टोकन है और क्या करना है उसमें, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एक और सेगमेंट में होगा पाई नेटवर्क के छोटे से नए अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ जो अवलांचे नेटवर्क पे टेलक्राफ्ट जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में। ये एक प्ले टू अर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है जो अभी मार्केट में नहीं आया है, अभी मार्केट में ये लॉन्च होने वाला है। और इसका जब आप ट्विटर ये सब हैंडल्स देखेंगे, जैसे आप ट्विटर हैंडल्स देखेंगे तो अभी रिसेंटली इसमें आपको मिलेंगे, जस्ट ए मिनट। तो ये टेलक्राफ्ट के जो ऑफिशियल ट्विटर का पेज है उसमें आप देखेंगे कि अभी 20.8 थाउजेंड इसके फॉलोअर्स हैं। और इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करके आएंगे तो यहाँ पे 15 नवंबर को एक ट्वीट आया है जिसमें इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। अगर आप इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये रजिस्ट्रेशन अभी आज 17 तारीख है, आज से रजिस्ट्रेशन होने वाला है इसका, और सेल जो है इसका 22 तारीख को होने वाला है ट्विटर पर। इसी पर आप क्लिक करेंगे तो ये मीडियम के आर्टिकल को रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स मिलेगा इस पे, जैसे कि इसके टोकनॉमिक्स क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, सीड स्ट्रेटेजिक प्राइवेट सेल में कितने इस ये करने वाले हैं, प्राइस क्या होने वाला है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। जैसे कि सीड राउंड में 1.8 मिलियन का ये करने वाले हैं, 0.20 USD पर टोकन्स के हिसाब से। उसके बाद वैसे ही प्राइवेट सेल में 2.85 मिलियन, उसके बाद 0.26 USD पर टोकन्स का है। फिर पब्लिक सेल में ये 3.75 मिलियन टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, जिसमें प्राइस होगा 0.28 USD पर टोकन्स। टोकनॉमिक्स में है 30 मिलियन टोटल सप्लाई है इनका, उसके बाद जो टोटल टोकन सेल है वो 10.2 मिलियन ये सेल करने वाले हैं, 34% इसका। इसके बाद गेम इंसेंटिव्स में, फिर स्टेकिंग में, टीम है उनके पास 10% इनका रहने वाला है, यानी कि 3 मिलियन टोकन्स रहने वाला है। बाकी लिक्विडिटी, मार्केटिंग, ये सारा कुछ डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद वेस्टिंग पीरियड्स है यहाँ पे, सीड राउंड के लिए 30 डेज क्लिप 5%, ये 90 डेज क्लिप ऑफ लीनियर फॉर 18 मंथ्स के लिए है। वैसे ही पब्लिक के लिए 35% ये TC करने वाले हैं, वीकली फॉर 3 मंथ्स करने वाले हैं। वीकली 3 मंथ के लिए आपको ये वेस्टिंग पीरियड में आपको टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे इसी आर्टिकल में तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दोस्तों की टेल IDO जो है वो अवलांचे प्लेटफॉर्म पे ये होने वाला है इनका, जो 3.21 मिलियन का जो है क्राफ्ट टोकन्स, ये 0.28 USD में ये करने वाले हैं। इसके अलावा रोको फाइनेंस पे भी इनका जो है IDO हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंशंस किया हुआ है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आएंगे तो रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है 17 तारीख को, आज 3 PM UTC, यानी कि आज रात में आपको 8:30 बजे से ये होने वाला है 17 तारीख को। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद अपना जो वॉलेट एड्रेस है जो उसको वाइट लिस्टेड कर सकते हैं। अगर वाइट लिस्टेड हो गया तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा 10x, 20x, इवन 100x का जो है पोटेंशियल इस टोकन्स में भी है। क्राफ्ट टोकन के जो है IDO में पार्टिसिपेट होने के लिए आपको अवलांचे ऐप्स में, ये जो अवलांचे का लॉन्च पैड है उसमें पार्टिसिपेट ये कनेक्ट करना होगा। इसमें सिंपल आपको पार्टिसिपेशन के लिए क्या करने हैं, रजिस्टर एंड KYC करना है, वेरीफाई वॉलेट करने हैं, कर लेने हैं। उसके बाद कुछ उसमें टास्क जो भी होंगे उसको, टास्क जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो अलोकेशंस होंगे और स्टेकिंग होंगे। आपको कुछ टोकन्स इसको स्टेकिंग भी करने पड़ते हैं, जैसे अदर में टायर सिस्टम है वैसे वैसे ही इसी इस लॉन्च पैड पर भी है। उसके बाद आपको जब एलोकेशंस होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, मैं इस हो सकता है मैं एक वीडियो अपडेट कर दूं इसके बारे में। तो दोस्तों ये सारा कुछ था, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का वीडियो नहीं है, तो आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं इस वीडियो को लेंगे। मैं सिंपल ये जो वीडियो है इसको सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप खुद भी स्टडी कर लें इसके बारे में, और जो भी आप मतलब रिस्क कवर करना चाहते हैं तभी इसमें करें।
दोस्तों पाई नेटवर्क का एक नया अपडेट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही पाई नेटवर्क आप एप्लीकेशंस ओपन करेंगे तो नेम अपडेट अपील का ऑप्शन है यहाँ पे। आप जब ये रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बता रहे हैं कि जो आपका रियल नेम है उसके अकॉर्डिंग KYC अपडेट होने वाला है फ्यूचर में। जो पहला रजिस्ट्रेशन के टाइम में फर्स्ट 14 डेज के लिए इनका होता है कि आप नेम अपडेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं कर पाए हैं तो आप अपने नेम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स सफिक्स या बीच का कोई स्पेलिंग मिस आउट हो गया है उसको आप ऐड कर सकते हैं या मिडिल नेम ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपको यहां पे जो है ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने हैं। इसके बाद प्रोफाइल्स पे जाना है, यहां सिंपल प्रोफाइल पे जाइएगा। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे है कि आस्क टू चेंज योर नेम, यहाँ पे सी हाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ अपील नेम चेंजेस करके है, जो भी आपका नेम है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे फिर सेव का बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम जब आप नेम जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जैसे ये मुकेश नाम है तो मुकेश इनपुट किए हैं या कुछ गलती हो गया, हल्का मिस आउट हो गया है स्पेलिंग का, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मिडिल नेम ऐड कर सकते हैं या लास्ट नेम ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिर ऐसा बोल रहे हैं आर्टिकल में कि वो इनवैलिड हो जाएगा आपका जो है जो भी ये मतलब आपका प्रोफाइल है वो इनवैलिड हो जाएगा, इसमें कहीं इन लोगों ने मेंशन करा है। तो अगर आपका रियल नेम में कुछ इनपुट गलत हो गया है तो आप पाई नेटवर्क का जो भी माइनिंग कर रहे हैं उसमें आप प्लीज़ इसको सही कर लें, क्योंकि KYC आपके रियल नेम के अकॉर्डिंग होगा, आपके ID के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारा वीडियो में बस यही दो चीज़ थे दोस्तों, एक टेलक्राफ्ट के बारे में और एक पाई नेटवर्क का ये अपडेट्स के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।